केबल की प्रॉब्लम थी इसमें, ये क्या हो रहा था, वाइट आ रहा था और केबल इसकी थोड़ा बर्निंग केस भी था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास ये डेल का लैपटॉप आया है, इसकी डिस्प्ले केबल में प्रॉब्लम है। ये मॉडल क्या है, मॉडल है इसका डेल वोस्ट्रो 2520। तो इसकी आज हम डिस्प्ले केबल चेंज करते हुए आपको दिखाएंगे कि इसकी डिस्प्ले केबल कैसे चेंज करते हैं, क्या इसका काम होता है। डिस्प्ले केबल का काम तो आपको पता ही होता है, मदरबोर्ड से स्क्रीन पे जो जाती है प्लस कैमरे पे जो केबल जाती है उसको हम डिस्प्ले केबल बोलते हैं, उसको हम LVDS भी बोलते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बैटरी को रिमूव करते हैं। बैटरी रिमूव करना बहुत जरूरी होता है किसी भी लैपटॉप पे काम करने से पहले। सबसे पहले हमें अपनी बैटरी रिमूव करनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं इंटरनल लैपटॉप आ रहे हैं तो उसकी बैटरी भी हमें पहले पीछे से खोल के लैपटॉप को रिमूव करनी चाहिए, तभी हमें आगे लैपटॉप खोलना चाहिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। बहुत धूल मिट्टी हो रखी है, कुछ बंदे यूज करते हैं सर्विस नहीं कराते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे आप महीने एक महीने चार पाँच महीने एक साल में एक बार लैपटॉप की सर्विस जरूर कराएं, नहीं तो ये इतनी धूल मिट्टी हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। इसमें हार्डवेयर का इशू आने का चांस रहता है, जैसा मदरबोर्ड खराब हो जाए आपका, इस वजह से CPU शॉर्ट हो जाए हीटिंग की वजह से, ये प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। आप देखो कितनी धूल निकलेगी, फैन पूरा जल ब्लॉक हो रखा है। तो इस प्रकार ये फैन जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारी हीटिंग का इशू आने का चांस रहते हैं, तो आप सर्विस टाइम टाइमली अपनी सर्विस कराते रहें। अब हम स्क्रीन की केबल चेंज करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन खोलते हैं, पूरा लैपटॉप हमें खोलना पड़ता है, उसके बाद ही हम बाहर निकाल लेंगे स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन बाहर आ गई है, इसको हम खोलते हैं। स्क्रीन की केबल चेंज करने के लिए सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप पूरी निकाल लो, हमारी स्क्रीन ब्रेक होने के चांस नहीं रहते हैं। यदि हम जो उस और तरीके से निकालेंगे या अंदर के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारी स्क्रीन के ब्रेक होने के चांस रहते हैं, थोड़ा ढंग से नहीं हो पाता, थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, इसलिए स्क्रीन को बाहर ही निकाल लेना चाहिए। ये हमारी स्क्रीन बाहर आ गई है, ये हमारी इसके डिस्प्ले की केबल है, इसको हम चेंज करते हैं। इसमें हम ये नई केबल लगाते हैं, ये इसकी नई केबल है। हम इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं बाहरी, हमारी स्क्रीन लगा के हमारा ओके हो गया है। तो इस प्रकार केबल की प्रॉब्लम थी इसमें, ये क्या हो रहा था, वाइट आ रहा था और केबल इसकी थोड़ा बर्निंग केस भी था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यदि आपके पास भी कोई लैपटॉप हो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको पैक करते हुए भी आपको दिखाएंगे कि इसको पैक कैसे करते हैं, ये अभी हमने इस वीडियो में आपको खोलते हुए दिखाया है।
अभी हम इस वीडियो में आपको इसको पैक करते हैं। मेन चौथा है जो हमने पैक किया है जिस पे ये चलता है। ऐसी भी यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हिंच का भी बहुत अच्छे से काम होता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आप देखोगे हमारा लैपटॉप रेडी हो गया है। यदि आपके पास भी कोई भी लैपटॉप है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सूरज कंप्यूटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।